हेलो गाइस, वेलकम टू सुजुकी जिक्सर SF 155 ओनरशिप रिव्यू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों जिक्सर SF इंडिया की बेस्ट फेयरिंग बाइक है, क्योंकि इंडिया में कुछ और फेयरिंग बाइक जैसे R15 आती है, हीरो की एक्सट्रीम आती है। तो इस वीडियो में आपको इसके सारे प्रोज बताने वाला हूँ और इसके कुछ कॉन्स भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहना। तो अगर इंडिया में फेयरिंग बाइक की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है R15 का, उसके बाद आता है सुजुकी जिक्सर का, फिर आता है हीरो एक्सट्रीम भी एक है 160 और एक है होंडा सी बी 150। तो होंडा सी बी 150 जो है वो हो गया डिसकंटिन्यू। तो अगर इस जिक्सर की बात ना करें तो नंबर वन पे मैं होंडा सी बी 150 को रखना चाहूँगा और R15 को नंबर वन पे इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर प्राइस चला जाता है। इस वाले मॉडल में और उस वाले मॉडल के प्राइस में जितना अंतर है R15 में, उसमें उस प्राइस कैप के अंदर ही एक स्प्लेंडर आ सकती है, तो फिलहाल इसलिए मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। और हीरो एक्सट्रीम को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ ना, उसमें आता है एक येलो कलर, एक शायद रेड कलर भी आता है, तो वो ना एक प्रॉपर फेयरिंग बाइक लगती नहीं है, पता नहीं क्यों उसमें लुक ही नहीं आता है। इसकी वजह से इंडियन मार्केट में उसकी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, लोगों ने उसको ज़्यादा खरीदा ही नहीं है। तो R15 के बाद एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जिक्सर, जो कि हमारे पास प्राइस में भी सेट बैठती है और एक प्रॉपर फेयरिंग बाइक भी है। मेरे सामने है जिक्सर SF 2018 मॉडल BS4, पर यह है टॉप मॉडल। तो इसमें आते हैं ड्यूल डिस्क और सिंगल चैनल ABS, और ये FI वर्जन है तो इसके अंदर किक नहीं है। तो इस वाली वीडियो में इसका मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। और मैं इस बाइक का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बाइक न्यू भी निकलती है ना, इसका भी जो नया मॉडल अभी आ रखा है जिसमें हेडलाइट थोड़ी चेंज है, थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस के अलावा ना बाकी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज ड्रास्टिक चेंज नहीं करते जिसकी वजह से आपको बाइक मतलब पुराने से नए पर अपग्रेड करना पड़े। तो इसीलिए जो बेस चीज़ रहती है ना बाइक की, जैसे इंजन हो गया, टायर हो गया, पावर हो गई, बेसिकली सब चीज़ सेम ही रहती है। तो अगर आप नए वाला मॉडल भी कंसीडर करने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपको हेल्प कर जाएगी। और मुझे नई वाली से पर्सनली डिज़ाइन की अगर बात करें तो पुराने वाले की डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि इसके अंदर जो आता है ना, ये आता है हेलोजन हेडलैम्प। तो ये वाला जो एक पुराना जो लुक आता है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से हायाबुसा से मैच करता है। तो कई बार जो गलियों के बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो कई बार मुझे बोल चुके हैं भैया हायाबुसा लेके आए हैं। तो इसका जो ये हेडलाइट वाला जो डिज़ाइन है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर ले तो यहाँ पे पूरी फेयरिंग है फुल नीचे तक, ये पार्ट में है, सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, ये दोनों पार्ट अलग है, सेम चीज़ उस साइड से भी जुड़ती है। यहाँ पे ये वाला पार्ट अलग है, देन ये वाला पार्ट अलग है। तो ये पूरी तरह से एक फेयरिंग वाला लुक देता है। वैसे ये पूरा फाइबर है, पर फाइबर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टैंक इसमें मेटल मिल जाता है आपको। साथ में इसमें जो इंजन का हुल है वो इसके साथ का ही है, फेयरिंग का ही, इसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फेयरिंग है ऑफकोर्स। और सामने भी मडगार्ड है, पीछे इसमें टायर हैगर नहीं है, पर इसका जो ये पीछे वाला फॉर्मेट है ये काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो इसकी वजह से कीचड़ वैसे भी बाहर नहीं आती है, तो इसमें टायर हैगर की ज़रूरत है नहीं। और चारों तरफ से एक बार और वॉक अराउंड, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो अभी भी हेलोजन है, मतलब अब शायद LED हो गया, पर पहले इसमें हेलोजन आते थे, मुझे पर्सनली हेलोजन ज़्यादा पसंद आता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें वही जो सुजुकी का इंट्रूडर टाइप में है, वही दो एंटर वाला एग्जॉस्ट आता है, और कुछ इस साइड से डिज़ाइन है। टैंक का इसका मैं पर्सनली बताऊँ ना, इसका टैंक का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देख रहे हो ये जो कर्व्स है ना इतनी सारी, ये कर्व्स का मैं स्पेशली दीवाना हूँ। ये देखो मतलब, तो जब बैठते हैं ना इसमें एक अलग ही लुक देता है पूरा, इतना सही फेयरिंग दिया हुआ है ना इसका, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। तो अगर इंजन की बात करें तो इसमें 155 cc का इंजन है, जो कि 14.6 bhp की पावर जनरेट करती है 8000 rpm, और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 6000 rpm। ये जो नया वाला मॉडल है उससे ज़्यादा है, नए वाले मॉडल में थोड़ी सी ट्यूनिंग की गई है तो उसमें पावर कम हो गई है। जो पहले 14.6 था वो नए वाले मॉडल में 13.4 ही रह गई है, और जो 14 Nm का टॉर्क था वो अब नए वाले में 13.8 ही रह गई है। इसके अलावा इंजन में खास कोई अंतर नहीं है, ये 4-stroke इंजन है। अगर टायर्स की बात करें तो फ्रंट टायर इसमें 100 प्रोफाइल का है 80x17 का, और अगर बैक की बात करें वो इसका स्पेशल एक हाईलाइट है। इसमें जो पीछे टायर है वो 140x60 का लगता है, और ये रेडियल टायर है 17 इंच के, तो 140 टायर एक 150 cc के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा चौड़े हैं, जो कि कर्व में लीन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पर्सनली मैं इसको लेंस डाउन लेके जा चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इस टायर के साथ बहुत ही बेहतरीन है, आज तक की बाइक कभी स्लिप नहीं हुई है। इसमें इसके अंदर MRF का टायर लग के आता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट परफॉर्म करता है रोड्स पे भी और हाईवे पे भी, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी की है, पर क्योंकि एक फेयरिंग बाइक है तो उसके लिए बनी नहीं है, इसकी वजह से कभी एक बार फेयरिंग नीचे लग चुकी है। बट इसके अलावा इस टायर ने मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं दी है, प्लस इस दोनों टायर में आज तक एक भी पंचर नहीं है। इवन अगर मैं टायर की कंडीशन दिखाऊँ ना,
ये है टायर की कंडीशन फिलहाल, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी है, पूरे डेंट बचे हुए हैं प्लस साइड के बाल बचे हुए हैं, और अभी ये बाइक 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, सिंगल पंचर नहीं है, सिंगल स्लिप नहीं हुई है आज तक। तो इसके टायर एक्सट्रीमली बेहतरीन है, और 140 सेक्शन के टायर भाई साहब देख रहे हो कितने चौड़े लगते हैं भाई साहब, ये हाथ, ये मेरा हाथ है, देख रहे हो कितने चौड़े टायर है इसके। अगर हैंडल्स पे आते हैं तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। ये पासिंग की लाइट है, ये हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पे किल स्विच भी है, और यहाँ पे सेल्फ है, और क्योंकि ये सुजुकी की बाइक है तो सेल्फ मारने के लिए आपको क्लच दबाना पड़ता है स्कूटी की तरह, तो ये सुजुकी में हर बाइक में कॉमन है, तो ये चीज़ आपको आदत हो जाएगी इसकी। प्लस यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के साथ यहाँ पे भी पूरी सुजुकी की ब्रांडिंग मिलती है साइड में, आधी इधर, जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। मेरे पास है ये चेरी रेड कलर, पर्सनली ये चेरी रेड कलर मुझे रस्ते में बहुत कम दिखती है, इसकी वजह से मुझे पसंद आई थी और मैंने ली थी, और ये कलर सही में बिल्कुल आउट परफॉर्म करती है, मतलब अगर ट्रैफिक में जाए खड़े हो जाओ ना, लोग इसको देखते हैं। अब अगर इसके कंसोल की बात करें तो इसके अंदर दो ट्रिप मीटर्स है, यहाँ पे हमारा ओडोमीटर है, ये किलोमीटर है, यहाँ पे पूरा आरपीएम मीटर जाता है, यहाँ पे फ्यूल है, यहाँ पे कुछ लाइट्स है, इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, अलग अलग लाइट्स दिए हुए हैं, इंजन चेक लाइट, हाई बीम लाइट, ऐसे चलती है ये, न्यूट्रल, आरपीएम, एबीएस, सब चीज़ की लाइट्स में दी हुई है, यहाँ से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो, बीच में टाइम भी है। ये इसका टोटल ओडोमीटर है, प्लस ये इसका ट्रिप ए, ट्रिप बी, जितनी चीज़ें एक कंसोल में होनी चाहिए ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कुछ चीज़ें जो नए वाले मॉडल में अपग्रेड की गई है, पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे नहीं लगता कि इतने काम की चीज़ है, तो वो एक डील ब्रेकर नहीं है। और इसमें आप आरपीएम लॉक भी कर सकते हो, मैंने इसमें 6000 आरपीएम कर रखे हैं, लॉक का मतलब 6000 आरपीएम जैसे ही ये बाइक टच करेगी ये आरपीएम लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये एक फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है तो इसके अंदर रिजर्व नहीं है, तो यहाँ पर रिजर्व की लाइट आपको नहीं मिलती है। ब्रेक्स की बात करें तो इसमें ड्यूल साइड डिस्क है, सामने इसमें एबीएस है, सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, सामने बाइबर के कैलिपर्स है, ब्रेकिंग इसकी एक्सट्रीमली स्मूथ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एबीएस की रिंग है। और अगर दूसरी साइड से दिखाओ तो इस साइड पे है एक दूसरा डिस्क ब्रेक, ये वाला आगे के कंपेटिटिव में थोड़ा सा छोटा है, पर पीछे वाली ब्रेक भी इससे बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे एबीएस है तो पीछे वाली ब्रेक में लगाता भी नहीं, फिर भी आज तक इस ब्रेक ने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग है इसकी, बिल्कुल जहाँ ब्रेक मारो वहीं रुक जाती है, और यहाँ पे एबीएस का लोगो भी दिख रहा है आपको। अब अगर इस बाइक के कुछ प्रोस की बात करूँ तो सबसे पहले आता है इसका माइलेज। माइलेज इसकी मुझे, क्योंकि मेरा हाईवे का राइड ज़्यादा है तो इसकी माइलेज मुझे हमेशा ऑलमोस्ट 55, 56, 57 ही मिलती है, 55 से नीचे मुझे लॉन्ग राइड पे भी नहीं मिली है। जब मैं लंच डाउन गया था, मैं दिल्ली से भर के चला था और पूरा पहाड़ चढ़ के वापस कोटद्वार में आके भरवाया था, तब भी मुझे इसने 57 की माइलेज दी थी, तो माइलेज इसका 150 cc के हिसाब से बहुत ही प्यारा है। और इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसके अंदर 140 सेक्शन का पीछे वाला टायर मिलता है जो कि बहुत ही चौड़ा हो जाता है, इसके बाद भी इसकी माइलेज बहुत ही बेहतरीन है। प्लस इसमें जितने भी गियर है ना, हर गियर पे ये बिल्कुल बराबर पावर प्रोड्यूस करती है, ऐसा नहीं है कि एक गियर पे आपको पहले कम पावर मिल रही है, चौथे गियर पे जाके आपको पूरा बम्प मिल रहा है, ऐसी बात इसमें नहीं होती है। इसमें हर जितने भी गियर है ना, सब में बिल्कुल इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसके अलावा ये एक सुजुकी की बाइक है तो सुजुकी की इंजन रिलायबिलिटी आपको पता ही है, सुजुकी, होंडा और यामाहा, ये तीनों जापानीज इंजन है, तो इनके इंजन की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आप जहाँ लेके जाना चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं, ये मुझे मेन इसकी एक खासियत लगती है। इसके अलावा इसका जो कलर है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और आर्बन 5 से इसकी फेयरिंग मेरे ख्याल सस्ती है, ये 12,000 के आसपास की पड़ेगी, पर क्योंकि ये टुकड़ों में है, ये एक पीस यहाँ पे अलग है, एक पीस ये अलग है पूरा, तो किसी और बाइक का भी उखाड़ के आप लगा सकते हो। और सामने इंजन कवल भी, ये वाला गार्ड भी अलग से मिल जाता है अगर टूटे, क्योंकि नीचे से बम्प करती है। अब इसका दो कोन है, सबसे पहला मैं बताता हूँ, सबसे पहला है कि ये सुजुकी है तो इसके पार्ट्स ना ये ज़्यादा बाहर अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे हीरो हो गए, स्प्लेंडर होगी, थर्ड मार्केट में ना इनकी पार्ट इजीली अवेलेबल है, पर सुजुकी के इतने आसानी से नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। प्लस इसके अंदर आते हैं मेन जो एक कोना है वो है इसके 5 गियर्स, हाईवे राइडिंग के लिए 5 गियर थोड़े से कम हो जाते हैं, छठे गियर पे ना बाइक थोड़ी सी हाई स्पीड पे स्मूथ चलती है, पाँच गियर थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है हाई स्पीड पे कि गाड़ी स्ट्रेस पे है, तो क्रूज़ करने में ना थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, वैसे नॉर्मली ठीक है, 5 गियर भी अगर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं करते उसके लिए 5 गियर नॉर्मली सफिशिएंट होते हैं, पर क्योंकि मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो छठे गियर की कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती है, तो इसमें नए वाले भी 5 ही गियर डाले उन्होंने, अगर नए वाले भी एटलीस्ट 6 गियर डाल देते ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है इसमें। और एक चीज़ और है, इसमें जो चेन है ना, इस जगह से ये नंगी है, वैसे पूरे पे कवर होते हैं बाजार वगैरह में देखोगे, इस जगह पे ये नंगी है तो इस जगह पे धूल थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, पर इसको मैं कौन तो नहीं मानूंगा। प्लस सीट क्वालिटी भी इसकी गली के हिसाब से
गलियों के हिसाब से ठीक है, पर हाईवे के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ है। एक और थोड़ा सा कोना है इसमें, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़े से ज़्यादा स्टिफर साइड पे है, तो गलियों में अगर छोटे गड्ढे होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा झटका आती है। पीछे इसमें मोनोशॉक आते हैं, वो बहुत बहुत ब्रिलियंट काम करते हैं पीछे पैलियन बिठा के भी, पर सामने वाला सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से फेयरिंग बाइक है जिसका आइडिएशन ही ट्रैक पर चलने का होता है, तो ट्रैक पे गड्ढे होते नहीं है, तो ये हाई स्पीड के गड्ढे बहुत ही अच्छे झेलती है। हाई स्पीड पर अगर कोई बम्प आता है ना तो उसके समय बहुत इफेक्टिव है, पर क्योंकि हम ज़्यादा गलियों में चलाते हैं तो छोटे गड्ढों पे भी हल्का सा अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब नए वाले मॉडल में, पुराने वाले मॉडल में थोड़े से दो तीन अंतर है। जैसे सामने जो इसमें हेडलाइट्स है, नए वाले में LED है, पुराने वाले में हेलोजन थे, मुझे पर्सनली हेलोजन पसंद है। सामने TFT भी चेंज किया गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई है, और इसमें भी FI है, नए वाले में भी FI है। ये टॉप मॉडल था उस टाइम का, तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। टायर भी सेम है 140 सेक्शन के। नए वाले में पावर थोड़ी सी कम कर दी गई है, पुराने वाले में पावर ज़्यादा थी, हर BS4 की यही कहानी है। शीशे उसके ठीक है, थोड़े से हल्के से छोटे कर दिए गए हैं, प्लस जो हैंडल बार है इसका ऊँचा है, नई वाली बाइक हल्की सी नीची है इससे, पर मुझे पर्सनली क्योंकि लॉन्ग राइड करता हूँ तो ये वो वाली थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। अर्बन 5 ना लेने का मेरा ये भी एक कारण था, वो थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव है, सामने झुक के चलाना पड़ता है। इसका हैंडल थोड़ा सा ऊँचा है, देख रहे हो क्लिपॉन्स नहीं है ना, इसकी वजह से इसका हैंडल ऊँचा है। जो नए वाले मॉडल है उसमें क्लिपॉन्स है, तो हैंडल थोड़ा सा और नीचा हो जाता है, तो मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद है, पर हाँ समय के साथ अपग्रेड होना पड़ता है, तो गाड़ी ने भी अपग्रेड किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करते हैं इस गाड़ी की सीट हाइट। मेरी हाइट है 5.6 इंच, तो मेरे दोनों पैर इसमें दोनों तरफ नीचे आ जाते हैं, तो हाइट इसकी इंडियन हाइट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और इसमें मेरी कमर भी बिल्कुल सीधी रहती है क्योंकि इसमें क्लिपॉन्स नहीं है, सिंगल रॉड हैंडल है, तो मेरे हाथ भी ऊँचे रहते हैं, तो इसकी वजह से मेरी पीठ पर भी दर्द नहीं होता है, लंबी लंबी राइड पर भी ना कमर बिल्कुल सीधी रहती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। प्लस इस गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है, ये वाला FI वर्जन है तो इसके अंदर रिजर्व नहीं आता है, जिसमें रिजर्व था उसमें 2.7 लीटर का रिजर्व टैंक था, इसमें रिजर्व नहीं आता है, और एवरेज मुझे 55 से ऊपर ही हमेशा मिली है, तो जिसके हिसाब से मुझे लगभग 550 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज मिल जाती है। अब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सुजुकी को इस बाइक पे काम करने की ज़रूरत है वो है इसकी गियर शिफ्टिंग। तो इसमें 5 गियर आते हैं, पर जब गियर शिफ्ट करते हैं ना तो वो गियर इतने स्मूथ नहीं है जैसे बाकी बाइकों में गियर हम शिफ्ट करते हैं तो बिल्कुल सीमलेस शिफ्ट हो जाते हैं, पर इसमें एक क्लिक की आवाज़ है जो एक टाइम के बाद आपको इरिटेट करना चालू कर देते हैं। आपको चाहिए कि जब आप गियर शिफ्ट करो तो बिल्कुल स्मूथ मक्खन की तरह गियर शिफ्ट हो जाए बिना किसी आवाज़ के, पर इसमें वो नहीं है। इसमें जब आप गियर शिफ्ट करते हैं ना तो एक हल्की सी आवाज़ है, और कभी कभी गियर अटकते भी है, तो बाकी बाइक के कंपैरेटिवली इसका गियर हल्का सा ज़्यादा टाइट है। तो अगर ये एक चीज़ इस बाइक में ठीक हो जाए तो इस बाइक में और कोई कमी नहीं बचती है। एक अच्छे ब्रांड का इंजन ऑयल यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को भी किसी हद तक ठीक कर सकते हो। मैं इसमें जब मोटुल का इंजन ऑयल डालता हूँ तब गियर काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाते हैं, अटकते नहीं है। अभी मैं इसमें कैस्ट्रॉल पावरवेल अल्टीमेट यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी गियर अटकते नहीं है, पर एक टाइम का 1500-1700 किलोमीटर चलने के बाद जब विस्कोसिटी ऑयल की कम हो जाती है फिर से वही क्लिक वाली आवाज़ जो एक जो खटकता है गियर वो वाला इफेक्ट फिर से वापस आ जाता है। तो अगर ये गियर इसमें स्मूथ हो जाते, गियर बॉक्स पे अगर कंपनी थोड़ी सा काम कर ले, तो फिर ये वाली बाइक ऑल द वे बहुत ही बेहतरीन बाइक बन जाती है, क्योंकि इसके अलावा इस बाइक में और कोई कमी नहीं रहती है। तो इस गाड़ी को लेके अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, पुराना मॉडल नया मॉडल की, इसको बहुत टाइम से चला रहा हूँ, तो ये 18 मॉडल है, अब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो इस हिसाब से देख लेना कि गाड़ी की क्वालिटी कैसी है। हर जगह से बिल्कुल कहीं से भी बचती नहीं है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी है ना, ठीक है, कहीं से भी बिल्कुल भी कुछ हिला हुआ नहीं है। तो अगर इसके लेके आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप लेने में कन्फ्यूज हो R15 ले इसको ले, तो एक बार कमेंट में डाल देना, और रिव्यू वीडियो अगर आपको कंसिडर करनी है वो कर लेना, क्योंकि बाइक लेने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप यूज़ बाइक ले रहे हो तो मेरा यूज़ बाइक लेने का एक गाइड है, उसकी भी एक वीडियो है, वो जाके चेकआउट कर लेना कि पुरानी बाइक खरीदने के लिए क्या क्या चेक करना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसी यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। तब तक के लिए बाय।